गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा, आपको पता होगा मैं अभी हूँ अहमदाबाद में। वैसे तो आपको टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो मेरा वीडियो है ये कौन सा टॉपिक पे होने वाला है। तो अभी मैंने बुक किया है द लीला गांधीनगर। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, फिलहाल अभी हम लोग एकदम अहमदाबाद स्टेशन के पास में ही है और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं गांधीनगर, जो की अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास होगा सर। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, हम लोग अभी ओला या उबर करके जाएंगे। अभी जब मैं बुक कर रहा था मैं सब कुछ बताऊंगा, टोटल कितना खर्च पड़ा कितना नहीं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ ही बताऊंगा आपको। होटल वाले बोल रहे थे कि सर अभी आप कहाँ पे हो, मैं आपको गाइड कर देता हूँ आपको कैसे आना है। मैं बोला अभी मैं अहमदाबाद स्टेशन के पास में हूँ, बताओ कैसे मैं आ सकता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा एक सर्विस है, कार भेजते हैं तो आप आ जाओगे। मैं खुश हो गया भाई, मैं बोला चलो बढ़िया है, कार वो भेज देंगे। लेकिन वो बोले सर इसका एक चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा 3500 प्लस टैक्सेस। मैं बोला भाई उस रेट में मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ओला उबर करके आ जा रहा हूँ। तो भाई अभी हम लोग को उबर भी बुक करना है, सब कुछ सामान वगैरह भी समेट लिया मैंने। चेक इन टाइम 2 बजे है, बट मैंने रिक्वेस्ट किया थोड़ा जल्दी चेक इन देने के लिए, लेकिन अभी तक हम लोग यहीं पे हैं जबकि 12 बजने वाला है। तो एक काम करते हैं जल्दी सब कुछ समेटते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। उबर दिखा रहा है 386, ऑटो दिखा रहा है 387, तो ये समझ में नहीं आया। अब खास करके अहमदाबाद का, कल भी कहीं के लिए हम लोग बुक कर रहे थे ना, तो ऑटो का रेट और कैब का रेट सेम है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऑटो अगर 100 रूपए दिखाता है तब कैब दिखाता है 300 साढ़े 300, ऐसा दिखाता है। मैं तो अपना सामान ये होटल में निकाला ही नहीं था, मेरा ऑलरेडी सब कुछ पैक है, एक ही कपड़ा निकाल के रखा हूँ मैं, वही पहन के चला जाऊंगा अभी। वो सामने में ही देख लो वंदे भारत भी खड़ा है। ये अपना होटल है देख लो, कॉन्सेप्ट अलग है, मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट कभी नहीं देखा। स्टेशन के ऊपर होटल बना के रखा हुआ है, क्या सीन है, मस्त यार, मस्त। अभी चेक इन वगैरह का क्या प्रोसेस है देखते हैं फिर आपको बताते हैं। हाँ जी, तो देख लो अभी हम लोग जस्ट होटल में चेक इन किए हैं, हमें यहाँ पे बैठा दिया गया है ताकि सारा जो चेक इन वगैरह प्रोसेस है वहाँ खड़े होकर नहीं होगा। वो बोले कि आप आराम से बैठो, हमारा आईडी लेकर वो चले गए हैं, सब कुछ बैठे बैठे काम हो जाएगा। और मेरे को हो गया बहुत गंदा वाला कोल्ड, एकदम नाक से पानी गिरे जा रहा है पता नहीं क्यों। बाकी ये है इनका लॉबी, एक छोटा सा कैफे टाइप का भी एरिया आप बोल सकते हो ये इनका। हैशटैग अमीरी, अच्छा हाँ पहला ताज वाला था #अमीरी1, ये #अमीरी2। बाय द वे क्या दिए हैं, तो ये दिए हैं एस्प्रेसो, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है, देखकर तो भाई मतलब क्या बताएं। इसको पकड़ना कैसा है ग्लास को। चीयर्स, चीयर्स फॉर गुड लाइफ। स्टेशन ग्राउंड बेसमेंट 611। हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं अपने ये रूम में चेक इन किया हूँ। ये क्या कैटेगरी का रूम है, इसका बेसिक रूम कैसा है कैसा नहीं है, मैं सब कुछ के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली मुझे इन लोगों ने अपग्रेड भी किया है। अब मैंने कौन सा रूम बुक किया था और किस में अपग्रेड किया मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल देख लो ये कुछ ऐसा रूम है मेरा, इसका मैं रूम टूर दे देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद बाकी का बात करते हैं। और सबसे मेन बात ये होटल को बुक करने का, क्यों मैंने ये वाले होटल को बुक किया। अहमदाबाद में मुझे बहुत सारा होटल का ऑप्शन मिल रहा था, रेडिशन था, ITC नर्मदा था, तो बहुत अच्छे होटल मुझे वहां भी मिल रहा था। मैं इतने दूर क्यों आया, लगभग 30 किलोमीटर दूर क्यों आया ये होटल के लिए, तो इसका सबसे मेन रीजन पता है क्या है। रुको, तो देख लो ये अपना रूम, ये बाहर के नजारे, और ये वाला क्या है मुझे आइडिया नहीं है, ये शायद गांधी आश्रम वो कुछ तो बता रहे थे वो, बट पता नहीं ये क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार ये चीज क्या है। ये होटल आने का मेन रीजन था ये, देख लो ये रहा नीचे गांधीनगर स्टेशन, सामने में लगा हुआ है वंदे भारत जिससे मैं कल जा रहा हूँ मुंबई। मैं वापस से मुंबई जा रहा हूँ सेम यही ट्रेन पकड़ के, और वैसे इसका शायद 2 बजे का टाइमिंग है, जब ये यहाँ से निकलेगा तो भी मैं दिखाऊंगा, पता नहीं यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। अगर इस साइड जा रहा है तब मैं आपको दिखा सकता हूँ, अब पता नहीं कहाँ जाएगा, मेरे को तो लग रहा है शायद ये यहाँ जाएगा। चलो अब एक काम करते हैं आप लोग को रूम टूर देते हैं। तो देख लो यहाँ से आप जैसे ही एंटर करते हो आपको दिख जाएगा कुछ ये नजारा, मतलब ये रूम अपना। एंटर करते ही आपको राइट साइड में दिख जाएगा ये वार्डरोब सेक्शन, लेफ्ट साइड में वॉशरूम जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो हाँ कुछ ये सीन है, और एक सब तो वैसे होता ही है, मैक्सिमम जितने भी 5-स्टार होटल में जाओगे तो ये सब चीज आम बात है, ये तो देते ही है। लेकिन यहाँ पे देख लो वो योगा मैट आप बोल सकते हो या फिर जो भी, बाकी वही सब स्लीपर वगैरह बाथरूम वगैरह
वगैरह सब कुछ तो रहता ही है, आम बात है ये सब। थोड़ा आगे आते ही वही चाय कॉफी बनाने वाला सारा तामझाम, तो ये सब चीजें। नीचे में मिनी फ्रिज है जो कि खाली है। यहाँ पे आपको मिल जाता है चाय कॉफी बनाने का सारा तामझाम। ये अपना रूम, वैसे ऑप्शन दे रहे थे ये कि आपको सिंगल बेड चाहिए या फिर आपको ट्विन बेड चाहिए, तो मैंने ट्विन बेड बोला तो कुछ ऐसा बेड मिला है। लेकिन देखो ये बेड का साइज देखो, जब मैं ताज में था वो मैंने आपको दिखाया था उसका साइज में कितना फर्क है ना। बाकी बस यही है, देख लो ये एक रूम है, सिंपल सा रूम है। मैं तो भाई एक्साइटेड हो रहा हूँ कब वो ट्रेन मतलब कब निकलेगा यहाँ से। अब बाकी ये हो गया अपना वर्किंग डेस्क जहाँ पे कभी मैं काम करता नहीं हूँ। ये क्या है? अच्छा यहाँ पे कुछ लिखने उकने के लिए है, मेरे को लगा कुछ केक वगैरह है क्या अंदर में। और यहाँ पे देख लो लैंप वगैरह सब कुछ क्या ऑटोमेटिक है। हाँ जी, बाकी ये रिसीवर भी देखो एकदम अलग ही लग रहा है, टच है क्या? अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? तो हाँ कुछ एकदम यूनिक सा ही लग रहा है मेरे को तो ये, देख लो एकदम। बाकी मैं कैलेंडर किसी होटल में जल्दी देखता नहीं हूँ, यहाँ पे कैलेंडर भी मिला हुआ है। यहाँ पे देख लो वेलकम कुछ कुकीज एंड केक सब मिला है मुझे। वो कौन सा फूल है बोलो तुम्हें? कौन सा फूल है ये तो नहीं पता। लिली तो महंगा आता है, 250 रुपए पीस है। तो यहाँ पे देख लो ये वेलकम चॉकलेट सब कुछ दिया हुआ है। डियर मिस्टर सिंह, वी आर डिलाइटेड टू वेलकम यू टू द लीला गांधीनगर। थैंक यू फॉर चूजिंग टू स्टे विथ अस संदीप विद बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच द लीला। बट थोड़ा सा रेट वगैरह भी देख लेते हैं। मैं बता दूंगा कि टोटल कितना लगा। फ्रूट्स वगैरह भी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मिला है मुझे। और ये अपना बेड है, बेड देखकर तो भाई नो डाउट फाइव स्टार होटल सबका बेड कैसा होता है कैसा नहीं अलग से कुछ बताने का जरूरत नहीं है। इसमें जब जाओगे अंदर ना उठने का मन नहीं करेगा। देखो मारो कैसा। तो यही सब सीन है, यहाँ पे बेड पे आप पड़ोगे तो फिर उठने का मन करेगा नहीं आपको। वॉल पेपर है ये, वॉल पेपर है ना, कलर नहीं है, ये वॉलपेपर है। ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। हाँ, ये यहाँ से समझ में आ रहा है, देख लो ये वॉलपेपर है। सिंपल सा रूम है लेकिन व्यू काफी अच्छा है इस रूम से। बाकी इसके अलावा भी और भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज का रूम है, अगर कोई एक दो खाली रहा तो मैं बोलूंगा दिखाने के लिए, अगर दिखा देते तो बहुत बढ़िया बात है। एक है ना प्रेसिडेंशियल स्वीट जो दिखा रहा था मैं 2.5 लाख रुपए का, वो वही एक बार मैं बोलूंगा दिखाने के लिए, अगर दिखा देंगे तो मजा आ जाएगा। बाकी यही है, चलो अब आपको मैं जल्दी से इनका वॉशरूम दिखा देता हूँ। और वॉशरूम में मुझे एक जो चीज दिखा मैं दिखाता हूँ आपको, तो देख लो ये अपना वॉशरूम और ये बाथटब तो खैर मिलता ही है, साथ में अलग से ये शावर एरिया भी मिल जाता है। लेकिन एक चीज देख रहे हो, ये देखो ये तो लग रहा है मार्केट से क्रीम वगैरह उठा कर लाया है, ये एक्स्ट्रा मांगना होगा। घर वाले खुश हो जाएंगे ये लेके जाओगे तो। ये डबल ट्रिपल करके हम लोग ले लेंगे भाई, पता नहीं कोई सब्सक्राइबर तो नहीं देखता है ना वीडियो लीला से, बोलता क्या मोहित भाई आप भी ऐसा करते हो यार, एक ही बार आए हैं बार बार थोड़ी ना। हाँ ये अच्छा लग भी रहा है कोई, देखो ये अच्छा क्वालिटी का भी लग रहा है, पता नहीं कितना अच्छा क्वालिटी का है लेकिन लग रहा है काफी अच्छा। इसके अंदर होगा ड्रायर और ये वेट मशीन भी है नीचे में। हाँ तो अगर आप अच्छे होटल में आते हो ना तो आपको वेट मशीन भी मिल जाता है वेट वगैरह करने के लिए। बाकी ये देखो ये किसी का कंगन है यार। बाकी ये यहाँ पे शेविंग मिरर जिसमें लाइट भी है, ओ भाई तो इसमें लाइट भी मिल जाएगा, तो ये लाइट वाला सेविंग मिरर है। तो यही है कुछ वॉशरूम, होप कि आप लोगों को ये रूम टूर अच्छा लगा हो। और अभी कुछ मैंने स्लोमो लिया है उसको एंजॉय कर लो, फिर बाकी का बात करते हैं। वैसे मैं बता दूं लीला में मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं इससे पहले कभी भी कोई लीला के प्रॉपर्टी में रुका नहीं हूं। सबसे अच्छा लीला का प्रॉपर्टी कौन से स्टेट में है बताना, कभी मौका हुआ तो वो भी कवर कर लेंगे। दो पांच में तो सर इसका टाइमिंग है जाने का, 2:05 है ना? हाँ 2:05। ये देख लो अभी टाइम 2:05 हो रहा है, देखते हैं टाइम पे जाता है कि नहीं। अच्छा इधर जा रहा है, देखो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे ही निकला है ये, कल हम लोग भी इसमें होंगे। ये मेरा होटल रूम और यहाँ सामने जा रहा है वंदे भारत।
बस निकल गया ट्रेन अपना। ये रूम में चेक इन किए हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और ये 3 घंटों में कुछ भी ऐसा खास किया नहीं है। मैं तो अपना ये लैपटॉप लेकर बैठ गया हूँ, एडिटिंग ही कर रहा हूँ क्योंकि कुछ करने को ऐसा है नहीं। अभी थोड़ा सा भूख जैसा लग रहा था तो सोचे क्या करें, रूम में कुछ ऑर्डर करें क्या नहीं। वैसे मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कि अंदर में खाने का क्या रेट है क्या नहीं। सिंपल सा बात है, 5-स्टार होटल है तो महंगा ही होगा। बट अभी हम लोगों ने क्या किया मालूम है, लंच तो ऐसा अभी मन नहीं कर रहा है क्योंकि ब्रेकफास्ट हैवी हुआ था, तो अभी हम लोगों ने जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर लिया है जो कि थोड़ी देर में हमारे पास आ भी जाएगा। बस 8 मिनट में आ रहा है जो कि हमें जाना होगा नीचे लेने के लिए। मैंने ये जो खाना ऑर्डर किया है ना, ये कुछ इस्कॉन गाठिया बोलकर रेस्टोरेंट है वहां से ऑर्डर किया है। तो हाँ, ऐसे 5-स्टार होटल सब में ना बाहर का खाना आप ऑर्डर कर सकते हो। ये भी एक सीन है, ऐसा नहीं कि आप आए हो तो वही महंगा वाला ही खाना खाओ। अगर आपको कुछ सस्ता में खाना है तो बाहर से भी ऑर्डर करके खा सकते हो। सिर्फ इसी होटल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम जगह में होता है, मतलब बाहर से खाना आप ऑर्डर करके खा सकते हो। बाकी अपना खाना आता है तो खाते हैं। मैंने प्लेट के लिए ऑलरेडी फोन कर दिया है, थोड़ी देर में लेकर भी आ जाएंगे। चलो अपना खाना वगैरह रिसीव करते हैं, उसके बाद हाँ होटल का जो इन रूम डाइनिंग का जो मेन्यू है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, खाने का क्या रेट है कैसा है, कुछ ऑर्डर भी कर लेंगे। और ये देखो मेरा प्लेट भी आ गया। एक बार 9 में जाएंगे, टेरेस है 9 में। अरे यार हम तो पर्स ही नहीं लाए, कैश में था पेमेंट। चलो पूछेंगे, UPI करता है तो ठीक है, नहीं तो ये इनका लॉबी है देख लो। इसी का सारा टॉयलेटरीज है हमारे रूम में, ये तो भाई ले जाएंगे पक्का है। 4 मिनट दिखा रहा है, ये देख लो, ये हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया है। ये जो सुबह ब्रेकफास्ट मिला था ऐसी पैक था ना, ऐसी सेम पैकिंग था। तो यहाँ पे मेरे को लगता है गुजरात में शायद प्लास्टिक बैन है, कम यूज हो रहा है प्लास्टिक का। सुबह भी ऐसी पैकिंग में आया था भाई, ऐसा पैकिंग देख के ना अब वो आइडिया लग गया है टेस्टी, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट ना बहुत टेस्टी हो रहा था। तो 5-स्टार होटल में देख लो भाई हम लोग खा रहे हैं, ये प्लेट ऑलरेडी हम लोगों ने मंगा लिया था। पैकिंग भी बहुत अच्छा है यार। हाँ देखे, ये तो पूरा गुजराती में ही लिखा हुआ है, बट हमको पता है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस्कॉन गाठिया, ये दही लिखा हुआ है। दही हम भी बोलने जा रहे हैं। दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या क्या मैंने मंगवाया है। अभी एक्चुअली पता नहीं क्यों, अभी नीचे जब हम लोग आ रहे थे ना तो थोड़ा सैनिटाइजर यूज किए थे, तो सोचा कि चलो ठीक है, अभी हम लोग का बैक टू बैक बहुत सारा ट्रेन जर्नी होने वाला है। तो पापा जी ने कॉल किया, बोला एक सैनिटाइजर भेजने के लिए, ये देख लो 2 बॉक्स भेजा हुआ है। आज में भी बोलना चाहिए था हम लोग, बोलना ही भूल गए। इसको देखो पहले क्या है, खाना बाद में खाएंगे, अभी रखो। तो देखते हैं अंदर में क्या है। ओ भाई साहब, ये क्या है, इतने अच्छे तरीके से अगर होगा पैक होकर आएगा। रुको मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर, उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर निकालो क्या है, तो रेट क्या होगा देखे नहीं लिखा होगा। अच्छा इसके अंदर देख लो, फेस मास्क है, सैनिटाइजिंग वाइप्स है, डिसइंफेक्ट स्प्रे है, और ये तो हैंड वॉश एंड ये हैंड सैनिटाइजर। भाई साहब ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा था लीला का। इसको तो खैर इसको ऐसे ही रख देते हैं, ये तो पैक होके बैग में ही जाएगा अपना। खाली ये सैनिटाइजर यूज होगा, बाकी सब कुछ पैक ही रहेगा। बाकी चलो अपना खाना खाते हैं, एक बार जब सब कुछ अनरैप कर लेते हैं तब आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मैंने खाना में ऑर्डर किया है। तो देख लो यही होने वाला है अपना लंच आज का, तो यही खाते हैं अपना मस्त, बहुत जोर का भूख लगा है। ये दोनों ही खमन है, एक कुछ नायलॉन खमन है और एक कुछ तो खमन था मैं नाम भूल गया, और साथ में ठेपला है। तो ये सब कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे कौन सा हमें सबसे ज्यादा टेस्टी लगा। टेस्टी होगा क्योंकि जो इसमें से वो खुशबू आ रहा है ना। चलो खाते हैं अपना, फिर खाकर मिलते हैं। ये जो है द लीला का बॉल रूम है, यहाँ पे अभी एक इवेंट चल रहा है तो मैं ज्यादा दिखा नहीं सकता। तो अभी हम लोग ऐसे ही होटल टूर कर रहे थे, और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, ये द लीला गांधीनगर होटल का दिया रेस्टोरेंट है, उसके हम लोग प्राइवेट डाइनिंग वाले एरिया में है। तो देख लो यहाँ पे अभी कोई नहीं दिखेगा, जो वहाँ बैठेंगे यहाँ बैठेंगे, सर्विस डिफरेंट होगा थोड़ा। हाँ जी, सिल्वर एंड मेटल का मिक्स है, टिकरी हैमर के साथ मार के अच्छा इसको शेप लाया गया है, सेम आपको फीलिंग में दिखेगा। हाँ हाँ, ये ऊपर भी सेम ही दिख रहा है, ये एक सिट आउट एरिया है हमारे गेस्टों के लिए। हाँ ये तो सभी फ्लोर में मैंने देखा। हाँ, ये जो सामने फ्रंट लॉन है बीच में, वो फ्रंट लॉन बेसिकली आप दिन में देखोगे तो उधर हम ओपन अंडर द स्टार्स इवेंट्स करते हैं, वेडिंग फंक्शन वगैरह हम करते हैं, दैट सिट डिनर विनर सब होस्ट करते हैं। बादशाह आए थे उधर परफॉर्म किया था लॉन में। अच्छा जी, तो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ द लीला का प्रेसिडेंशियल स्वीट। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट